वाल्मीकि नगर से एनडीए समर्थक जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनडीए के सभी घटक दलों के नेता के साथ ही बेतिया समाहरणालय पहुंचकर सुनील कुमार ने नामांकन किया। इसके बाद दावा किया कि चंपारण की सभी सीटों पर एनडीए प्रचंड जीत हासिल करेगी। मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक जो विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने का, उस पर यह चुनाव हो रहा है। और पूरा चंपारण, चंपारण मतलब यहाँ चंपारण का जो लोकसभा से उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी और हम यहाँ हैं, और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ की जनमानस जो है नीतीश जी के कार्यों को और मोदी जी के कार्यों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े।